नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे राज्य राजस्थान की स्थिति, विस्तार व आकृति के बारे में। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, चाहे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान भारत में एक अपना अलग ही स्थान रखता है। और हमारी मातृभूमि राजस्थान वीर प्रसूता भूमि कहलाती है। तो आज उसी राजस्थान के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि रीट, पटवार, सेकंड ग्रेड, पुलिस भर्ती जैसी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रखता है। तो आइए बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार वह आकृति के बारे में। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान को देश का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव 1 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग एक राज्य बना। पूर्व में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। आगे देखें आकृति एवं विस्तार। तो राजस्थान की आकृति आपके सामने देखिए मैप है एक, उस मैप पे देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान की आकृति जो है वो एक चतुर्भुज की है, लेकिन रेखाएं सीधी नहीं है, इसलिए इसे कहा गया है विषमकोणीय चतुर्भुज। क्या कहा गया है? विषमकोणीय चतुर्भुज। इसकी स्थिति अक्षांशीय जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, अर्थात यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट और ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट अर्थात यहाँ से लेकर ऊपर तक, और देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व जो इसका है वो 8 डिग्री 47 मिनट कुल देशांतरीय विस्तार है। राज्य का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा से ऊपर है, कर्क रेखा डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो उष्णकटिबंध में है, और शेष राजस्थान जो है वो पूरा का पूरा किस में आ जाता है? शीतोष्णकटिबंध में आ जाता है। कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर है, और बांसवाड़ा व डूंगरपुर दोनों उष्णकटिबंध के अंदर आते हैं। आगे बात करें तो इसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई व चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, तब उत्तर से दक्षिण ये 826 किलोमीटर, जो कि उत्तर में हनुमानगढ़ के कोणा गांव से लेकर गंगानगर के कोणा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक विस्तृत है,
इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। जिसका विस्तार पश्चिम में कटरा गांव, जो कि सम जैसलमेर में स्थित है, से लेकर पूर्व में सिलावट गांव, राजखेड़ा धौलपुर तक विस्तृत है। इन तथ्यों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, राजस्थान का उत्तरतम गांव कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है, राजस्थान का पश्चिमतम गांव, राजस्थान का पूर्वतम गांव कौन सा है। इन सब बहुत बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान पूर्णतया एक स्थलीय राज्य है। इसकी कोई भी सीमा जलीय क्षेत्र से नहीं लगती है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय व 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। अब ये सीमा किन किन राज्यों व देशों से लगती है, इसके बारे में बात करें तो राजस्थान की उत्तरी सीमा, राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब राज्य के फजिलका व मुक्तसर ज़िले से लगती हैं, जो राजस्थान के दो ज़िलों गंगानगर व हनुमानगढ़ के साथ जिला सीमा साझा करते हैं। पंजाब की कुल सीमा 89 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ ज़िले से लगती है, और ये राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान के साथ कौन सा राज्य न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो उसका उत्तर होगा पंजाब, 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा के 7 ज़िले मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा व फतेहाबाद हैं, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर व भरतपुर ज़िलों से सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ बनाता है तथा न्यूनतम सीमा जयपुर बनाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है, तो उत्तर होगा हनुमानगढ़, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य ज़िला कौन सा है, तो जयपुर। राजस्थान से पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश के दो ज़िले आगरा व मथुरा, राजस्थान के दो ज़िलों भरतपुर व धौलपुर से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक भरतपुर व न्यूनतम धौलपुर ज़िले के साथ लगती है। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्यामपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अगरमालवा व मुरैना, राजस्थान के 10 ज़िलों धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। इसकी राजस्थान के साथ कुल 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा झालावाड़ से व न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा ज़िले से लगती है। अगरमालवा 16 अगस्त 2013 को शाहपुर से अलग होकर मध्य प्रदेश का 51वां ज़िला बना था। इससे पहले मध्य प्रदेश के 9 ही ज़िले राजस्थान से सीमा साझा करते थे। आगे राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी सीमा जो है वो गुजरात राज्य से लगती है।
गुजरात के 6 जिले कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर व दाहोद, राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर व बाड़मेर से सीमा साझा करते हैं। गुजरात के साथ हमारी 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा उदयपुर के साथ व न्यूनतम सीमा बाड़मेर जिले के साथ लगती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत से लगती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान तथा सिंध प्रांत का घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट व थारपारकर, ये 9 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं तथा राजस्थान के 4 ज़िले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ की स्थापना 14-15 अगस्त 1947 को सर सिरिल एम रेडक्लिफ द्वारा की गई थी, जिसकी कुल लंबाई 3,310 किलोमीटर है। यह भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब व गुजरात, तथा इसकी सर्वाधिक सीमा जो है, सर्वाधिक लंबाई जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये श्रीगंगानगर में 210 किलोमीटर, बीकानेर में 168 किलोमीटर, जैसलमेर में 464 किलोमीटर तथा बाड़मेर में 228 किलोमीटर लंबी है। तो सर्वाधिक 464 जैसलमेर ज़िले में और न्यूनतम 168 बीकानेर ज़िले में इसकी लंबाई स्थित है। यह राजस्थान में हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाकासर गांव तक विस्तृत है। हिंदुमल कोट गंगानगर व बाकासर बाड़मेर में स्थित है। यह राज्य में उत्तर में गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के बाकासर सहागढ़ गांव तक विस्तृत है। गंगानगर व बीकानेर पाकिस्तान सीमावर्ती जिला बहावलनगर व बहावलपुर है। आगे देखें, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और न्यूनतम सीमा बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। राज्य की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर व न्यूनतम पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर। झालावाड़ ज़िले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, जो मध्य प्रदेश से लगती है। बाड़मेर ज़िले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम लंबी है, जो गुजरात से लगती है। सीमावर्ती ज़िलों में गंगानगर शहर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है तथा सर्वाधिक नज़दीक है तथा बीकानेर सर्वाधिक दूर है। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे सीमावर्ती ज़िलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक ज़िला कौन सा है या शहर कौन सा है या ज़िला मुख्यालय कौन सा है, तो वह है गंगानगर। और सर्वाधिक दूर ज़िला, सर्वाधिक दूर नगर व सर्वाधिक दूर ज़िला मुख्यालय कौन सा है, तो वह है बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा
झालावाड़ राजस्थान से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से जिले से लगती है? तो उसका उत्तर होगा जैसलमेर। और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो उसका उत्तर होगा बीकानेर। अब राजस्थान के जिले, पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा पाली। ये 8 जिलों अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर से मिलती है। अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करते हैं उन्हें अंतर्वर्ती जिला कहा जाता है। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अंतर्वर्ती जिले हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर व राजसमंद, ये 8 ऐसे ज़िले हैं जो न तो किसी देश के साथ न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमावर्ती जिले, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। इनमें से केवल बीकानेर व जैसलमेर 2 ऐसे ज़िले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जबकि गंगानगर व बीकानेर अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाने वाले ज़िले हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है 23। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़, ये 23 ज़िले हैं जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब राजस्थान के परिधीय ज़िले जो राजस्थान की स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, तो उन ज़िलों की संख्या है 25। 23 तो अंतर्राज्यीय सीमा वाले हो गए और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले बीकानेर व जैसलमेर। तो कुल मिलाकर 25 ज़िले हैं जो राजस्थान के परिधीय ज़िले कहलाते हैं या राजस्थान की स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि राजस्थान के कितने ज़िले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो उसका उत्तर होगा 2, बीकानेर व जैसलमेर। राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो उसका उत्तर होगा 4। राजस्थान के कितने ज़िले केवल अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो उसका उत्तर होगा 21। और राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो उसका उत्तर होगा 23। क्योंकि गंगानगर व बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करते हैं। तो ये था राजस्थान की स्थिति, आकृति व विस्तार से संबंधित कुछ तथ्य व जानकारियाँ। इनमें से अनेक प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें, समझें व तथ्यों व आंकड़ों को अच्छे से याद करें। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।